नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशंस। मेरा जो आज का वीडियो है वो है पूजा घर का वास्तु। वास्तु वीडियो की इस सीरीज में आज मैंने शामिल किया है पूजा घर को। पूजा घर हमारे घर का एक अहम हिस्सा होता है। लगभग सभी घरों में या तो पूजा घर होता है या मंदिर होता है। उसको किस दिशा में रखना है, अगर उसकी गलत दिशा है, तो मैं आपको उसके इस वीडियो में आगे उपाय भी बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। पूजा घर का वास्तु पर आधारित होना, वास्तु सम्मत होना बेहद जरूरी है। मन की शांति के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए और सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा घर का उचित स्थान पर होना बेहद जरूरी है। जब भी हम पूजा घर की बात करते हैं या बनाते हैं या मंदिर भी देखते हैं किसी भी घर में, तो उसके लिए देखा जाता है परिवार की मुखिया की कुंडली में बृहस्पति का स्थान। बृहस्पति की क्या स्थिति है, उसी के अनुरूप सजेस्ट किया जाता है कि पूजा घर किस जगह होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक जनरल जो डायरेक्शन होती है पूजा घर की, मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व, अगर इस कोण में आपके घर में मंदिर या पूजा घर है तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि इस दिशा के स्वामी है स्वयं बृहस्पति और सूर्य। यह कोण पूजा पाठ एंड मेडिटेशन के लिए ही होता है। अगर इस दिशा में मंदिर या पूजा घर है तो घर में इन जनरल हार्मोनी होती है, परिवार के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, धन की आवक अच्छी होती है। मीन्स ओवरऑल ये दिशा बहुत ही अच्छी होती है पूजा घर के लिए। अगर इसी पूजा घर में, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन के पूजा घर में, अगर ईस्ट वाली वाल पे, पूर्व वाली दिशा की दीवार पर अगर रोशनदान या खिड़की हो जहाँ पे फ्रेश एयर आती हो, धूप आती हो, तो ये एक सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। ये बेस्ट स्थिति मानी जाएगी वास्तु की दृष्टि से पूजा घर के लिए। इसमें आप प्रतिदिन पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छे वाइब्रेशन जनरेट होंगे और पूरी ही फैमिली के लिए बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही अच्छा। सभी की हेल्थ अच्छी रहेगी, पैसे की आवक अच्छी रहेगी, सभी का जीवन उन्नतिशील होगा। नॉर्थ डायरेक्शन या पूर्व दिशा, अगर इस दिशा में पूजा घर या मंदिर हम रखते हैं तो ये भी एक अच्छी स्थिति ही होती है, स्पेशली धन संबंधी मामलों के लिए ये एक अच्छी दिशा मानी जाती है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि जब भी इस दिशा में मंदिर या पूजा घर होता है तो घर के सभी सदस्य बहुत मनी माइंडेड हो जाते हैं, उनका पूजा पाठ में भी मन नहीं लगता है, केवल सिर्फ धन संबंधी समस्याओं या धन संबंधी बातों में ही उनका फोकस होता है। नॉर्थ वेस्ट या उत्तर पश्चिम दिशा, इस दिशा का स्वामी चंद्रमा है और अगर इस दिशा में मंदिर बनाया जाता है और नित्य प्रति पूजा की जाती है तो चंद्रमा और भी एक्टिव हो जाता है और चंद्रमा देता है जीवन को गतिशीलता या मूवमेंट। मीन्स घर के सभी सदस्यों को बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, घर के जो भी बच्चे होते हैं उन्हें भी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है और अधिकांश घरों में ये देखा जाता है कि बच्चे बाहर ही सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये दिशा होती है बच्चों के लिए भी। वेस्ट डायरेक्शन या पश्चिम दिशा, इस दिशा का स्वामी होता है शनि और जब इस दिशा में पूजा घर या मंदिर होता है तो घर के अधिकांश सदस्य नौकरी पेशा होते हैं और नौकरी पेशाओं होने से ट्रेवलिंग बहुत होती है, घर के सदस्यों के बीच में मन मुटाव भी बहुत अधिक होता है। वेस्ट डायरेक्शन में जब भी मंदिर होता है तो धन संबंधी कोई समस्याएं नहीं होती, धन तो खूब आता है लेकिन परिवार के सदस्य इसी धन को लेकर लड़ते रहते हैं, हारमोनी बहुत कम देखी जाती है जब भी वेस्ट डायरेक्शन में मंदिर होता है तो। साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम दिशा, यह दिशा होती है राहु की और इस दिशा में मंदिर या पूजा घर का होना वास्तु की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा दोष माना गया है। इस दिशा में मंदिर या पूजा घर होने से बच्चों की उन्नति पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, कई घरों में बच्चे मंदबुद्धि भी हो जाते हैं, चलता हुआ व्यापार अचानक रुक जाता है, मीन्स आर्थिक समस्याएं ऐसे घरों में बनी ही रहती है, हमेशा लोन बना रहता है। इस दिशा में मंदिर या पूजा घर का होना एक बहुत ही बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, तो जहां तक हो सके मंदिर या पूजा घर को इस दिशा में बनाने से बचिए। साउथ डायरेक्शन या दक्षिण दिशा, इस दिशा में भी पूजा घर अच्छा नहीं माना जाता है,
घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती है, घर के सदस्यों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मीन्स बीमारियों में हमेशा ही खर्च लगा ही रहता है। कुल मिलाकर साउथ या दक्षिण दिशा पूजा घर के लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं मानी गई है। ये एक बहुत ही भयानक वास्तु दोष को जन्म देती है। साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व दिशा, यह आग्नेय कोण होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि यह दिशा किचन के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है और जब भी यहाँ पर मंदिर या पूजा घर बनाया जाता है तो हम देखते हैं कि परिवार की जो महिला सदस्य होती है उनका स्वभाव बहुत ही कर्कश हो जाता है, साथ ही उन्हें बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं और जो भी महिला सदस्य होती है उनमें आपसी मनमुटाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है और हेल्थ इश्यूज स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ बॉडीज में या गायनिक इश्यूज जब भी इस दिशा में मंदिर होता है तो घर की महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जहाँ तक हो सके तो इस दिशा में बिल्कुल भी मंदिर या पूजा घर मत बनाइए, साथ ही किचन में भी कभी भी मंदिर को मत रखिए, ये एक गंभीर वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। ईस्ट डायरेक्शन या पूर्व दिशा, इस दिशा में अगर पूजा घर या मंदिर है तो ये सबसे अच्छी दिशा मानी जाएगी। इस दिशा में जब भी मंदिर या पूजा घर होता है तो उस घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, धन संबंधित कोई समस्या नहीं होती है, उनकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी होती है, साथ ही घर के जो बच्चे होते हैं बहुत प्रगति करते हैं, घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ईस्ट डायरेक्शन में अगर पूजा घर या मंदिर है तो वो बहुत ही वास्तु की दृष्टि से उत्तम दिशा मानी जाएगी। घर में मंदिर या पूजा घर बनवाने से पहले कुछ सावधानियों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, अन्यथा फायदा होने के बजाय नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। अगर आपका घर दो स्टोरी का है तो कभी भी पूजा घर के ऊपर या नीचे वाली स्टोरी पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए या किचन नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह एक गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न करेगा। घर के मंदिर या पूजा घर में जहाँ तक हो सके शिवलिंग की स्थापना नहीं करना चाहिए, आप फोटो रख सकते हैं या मूर्तियाँ रख सकते हैं, साथ ही एक ही घर में कभी भी एक से अधिक पूजा घर नहीं होने चाहिए, मीन्स एक से अधिक मंदिर भी नहीं होना चाहिए, एक घर में आप केवल एक ही जगह पर पूजा करिए। कभी भी स्टोर रूम में पूजा घर मत बनाइए और ना ही पूजा घर को एज ए स्टोर यूज करिए। कई घरों में यह देखा जाता है कि स्टोर में ही एक कॉर्नर में मंदिर रख दिया जाता है और वहीं पे पूजा की जाती है, और कई घरों में यह भी देखा जाता है कि पूजा घर में ही कई सामान रख दिए जाते हैं, एज ए स्टोर रूम यूज किया जाता है। तो दोनों ही परिस्थितियों में गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। आप पूजा घर बिल्कुल अलग रखिए और स्टोर रूम बिल्कुल अलग रखिए। कभी भी पूजा घर में या मंदिर में बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ या भगवान की बहुत फोटो मत रखिए, और अगर रखते भी हैं तो उन्हें एक दूसरे के सामने मत रखिए, मूर्ति के सामने मूर्ति या फोटो के सामने फोटो मत रखिए। जब भी इस तरह से रखा जाता है तो ये देखा जाता है कि घर के सदस्यों के बीच में बहुत ज़्यादा अनबन होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सभी को एक लाइन में ही रखिए या मूर्ति के सामने मूर्ति को बिल्कुल भी मत रखिए। बेडरूम में कभी भी मंदिर मत रखिए या बेडरूम में ही कॉर्नर में पूजा घर मत बनाइए। पूजा घर कभी भी टॉयलेट या वॉशरूम के पास नहीं होना चाहिए और नहीं उसके बिल्कुल सामने। अगर ऐसा किसी घर में है भी तो आप उस टॉयलेट को बिल्कुल भी यूज मत करिए, उसको बंद करके रखिए, ये एक बहुत ही गंभीर वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। पूजा घर में कोई खंडित मूर्ति या फटी हुई फोटो मत रखिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, फोटो फट जाती है तो उसे उचित जगह प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपने पूजा घर या मंदिर के लिए इन सभी सावधानियों का पालन किया और उसे उचित डायरेक्शन में रखा या बनाया तो आप देखेंगे कि आपकी पूजा ईश्वर तक जरूर पहुँचेगी, आपको मन की शांति मिलेगी, परिवार में सुख समृद्धि रहेगी, घर के सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस चैनल पर आपको वास्तु और एस्ट्रो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। बाय।